मैं अपनी आवश्यक के साथ जो भी ऑफिस में बैठे हैं पहला मंडे दिन का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ कि सोच समझ के इन्होंने निर्णय किया है पार्टी का, क्योंकि जो हालात देश में बने हैं और राहुल गांधी जिसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं पार्टी जोड़ो यात्रा और पार्टी जोड़ो न्याय यात्रा, अगर कोई गहरे में जाएगा तो पाएगा किस प्रकार का सपना उनका देश के लिए है। आज जो लोग उत्तर के कचरे के अंदर है, जो यानी झेलिया उड़ रही है, सीबीआई के अंदर रिव्यू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो बॉन्ड पर कहा गया है वो बुद्धि जारी है, अभी कुछ नहीं हुआ, 6,000 के आगे आए थे और लगभग 15,000 के आसपास जो बीजेपी को पैसा मिला है, ये आप देखेंगे इतना बड़ा मांग घोटाला है। आज अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कम्बाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुबह, जो की है देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं समझ पा रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दोगे तो डेमोक्रेटिक क्या रहेगी। जिस प्रकार से हमारे अकाउंट AICT के अकाउंट अगर कुछ अमाउंट बाकी उन्होंने निकाल दिया मान लो, तो उनका तरीका होता, नोटिस देने का होता, जवाब देने का होता, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, नहीं 115 अकाउंट निकाल दिए उसमें से। मैंने आज तक जिंदगी में सुना इनकम टैक्स कोई अकाउंट फ्रीज कर सकता बैंकों का, तो पैसा भेजो कर ले, ऐसा मैंने पहली बार सुना, तो कई लंबी बात हो जाएगी। ये मुगल मौका है, मैं कहना चाहूँगा कि हालात बहुत गंभीर हैं, गंभीर तक और समझाने के लिए हमारे सीनियर वाले जो भाई बैठे हैं उनको मैं अपील करूँगा, जो मूल भावना है उनको आपको पब्लिक तक पहुँचाना पड़ेगा, पहुँचाना चाहिए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस वक्त में कोई इसे मन किया जाता था, पता नहीं मीडिया कैसे इसे बनाता था। आजकल मीडिया दबाव के अंदर है मोदी जी के और भी सरकार के, उनकी रखवाला है, उसका नुकसान पूरे देश को हो रहा है। इतने मैं चाहूँगा कि फिलहाल बोलने वाले लोग पार्टी में प्रवेश करेंगे, एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि वास्तव में हालात क्या बीजेपी खुद के अंदर, बीजेपी उनके लोग तो की हैं बोल नहीं पा रहे, हिम्मत करके आ गए हैं, ऐसे लोग हैं आपको पूरे देश के अंदर हमें कहीं मिलते हैं, घुटन महसूस हो रही है वहाँ पर, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, घुटन महसूस हो रही है वास्तव में, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया तेलंगाना है क्या माहौल। और बाकी आपको मालूम है कि जो भी करप्ट आदमी है आरोप लगाते हैं करप्शन का, और जैसे ही बीजेपी जान करता है वाशिंग मशीन लगी हुई है, वाशिंग मशीन में डूब जाता है और बहुत ही अच्छे मीडिया कंपनी में निकल जाता है। तो ये हालात इस देश में हो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी और उनके साथ में पत्रकारी जो हमारे जिलाध्यक्ष थे बाद में थे परिहार जी जो बोर्ड चेयरमैन थे राज्य शिक्षकों के, नरेश मीणा जी बोर्ड महासचिव राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ये तमाम लोग जो है तीनों का जो पहले इनको कुछ कारणों से ये अलग हो गए थे या इनको सस्पेंड कर दिया गया था, इनको वापस अध्यक्ष ने पार्टी में लिया है वापस, और पहला मुंजन जी को पार्टी की सदस्यता आज दिला दी गई है। ये मुबारक मौका है इनके लिए भी, हम सबके लिए भी, और ये शुभकामनाएं मैं पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूँ पहला मुंजन जी को, तमाम साथियों को, उम्मीद करता हूँ कि इन जाने पार्टी मजबूत होगी और हड़ौती के अंदर पहला मुंजन का नाम है उसी प्रकार से हड़ौती में कांग्रेस पूजिएगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।